जी व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज जो है बहुत ही खास एक वीडियो है, और खास इसलिए क्योंकि इसमें जो है आप कुछ सीखने वाले हैं खुजली और खारिश की एक टाइप्स के अभी इसके बारे में। तो असल में ऐसी वीडियोस देखने के बाद जो है ना, वो कुछ साइकोलॉजिकली इंसान को उसके बाद खारिश कहीं ना कहीं होना या इच होना जो है वो लाजमी है। तो इसलिए मैं बता दूं कि ये जो है, इसको अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं इस वीडियो को, तो फिर आप इसको जरूर आखिर तक देखें, वरना इसको यहीं पे खत्म कर दें। ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी फरमाइश थी कि स्केबिस पे जो है वीडियो जल्दी से डाल दें, क्योंकि ये जो है कुछ एरियाज में ये फैल रही है और हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर इसकी क्या वजह है। तो ये आपके कहने पे, तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जानते हैं कि स्केबिस क्या होती है। देखें, खारिश जो है बाजुका बहुत सी वजह से होती है, तो उसमें एक वजह जो है वो, या एक टाइप आप कह लें जो है खुजली की एक टाइप, वो है स्केबीज। अच्छा, तो अब स्केबीज जो है वो आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे एक मैंने जो है ये एक आपको होगा कि ये कीड़ा सा ये क्या बना हुआ है। तो ये असल में जो स्केबीज फैलाने वाला जो जरसूमा है जिसे कह लें, या जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसका नाम होता है सरकोप्टिस केबिया, और ये एक माइट होती है। माइट जो है, आपको पता है कि जैसे डॉग्स में माइट्स होती हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ माइट है। ठीक है, अब उर्दू में पता नहीं अब माइट को क्या कहते हैं, लेकिन वो डॉग में वो जो एक कॉमन सा एक होता है ना कि डॉग में माइट्स हो जाती हैं, तो वो जो है ना, ये वही वाली माइट है, लेकिन ये ह्यूमन वाली माइट है, ये डॉग वाली नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम होता है सरकोप्टिस केबिया। अच्छा, तो अब आप जो है इसको जो है आप सोचेंगे कि भई ये जो है जनाब, जो सरकोप्टस के भी आए है, खैर मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा हाँ जी, तो ये जो सरकोप्टस केबीआई है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से होती है, यानी एक इंसान से जो है दूसरे इंसान को जंप करके ये चली जाती है। यानी ये वैसे बाहर जो है इंसानों की स्किन के बगैर जो है, ये वाली जो माइट होती है या ये जो जरसूमा होता है, ये इसका वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाता है अगर इसको इंसान की स्किन ना मिले। तो अब जैसे ये लोग करीब है एक दूसरे के, तो ये इस लड़की से, ये इस लड़के पे आराम से जंप कर सकती है अगर इसको स्केबीज है तो। ठीक है, वैसे नहीं तो इस तरह इंसान टू इंसान कह लेंगे, इंसान से इंसान का जो है ना कनेक्शन इसमें जरूरी होता है, और जो है वो इसीलिए यही होता है कि स्केबीज जो है बहुत कुछ एक शख्स को होती है फैमिली में, तो फिर बाकी जो लोग उस घर में रह रहे हैं उन सबको भी जरूर हो जाती है। तो ये एक इसकी पहचान भी होती है कि स्केबीज जब एक को होती है, तो फिर वो बाकी लोग भी कहते हैं कि जी अच्छा, ये हम सबको भी हो गई है, हमें भी इसी तरह से खारिश हो रही है। अच्छा, तो अच्छा जी, अब थोड़ा सा जो ये सरकोप्टस केबिया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अच्छा, जिसका सरकोप्टस केबिया है जो है, ये बड़ा ही वो गंदा सा एक, आप सोचें कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोस्कोप के अंदर ही नजर आता है, आपको वैसे नजर नहीं आएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसमें ये क्या करता है कि ये आपकी ये स्किन है, ठीक है, असल में ये आपकी जो स्किन होती है जो कि आपको अभी नजर आ रही है जिस भी रंग की है, तो उसकी दो पार्ट्स होते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, और नीचे वाला पार्ट होता है डर्मिस। तो ये जो सरकोप्टस केबिया है, ये थोड़ा सा मेरी जो ड्राइंग है उसको माइंड करें कि ये जो है मैंने ये कुछ ड्रॉ करने की, ये सरकोप्टस केबिया बनाने की कोशिश की है, और ये ब्लैक वाले उसके लार्वे बनाने की कोशिश की है या एग्स। ठीक है, और ये जो है ये टनल्स बनाई है मैंने। ठीक है, तो ये अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, सरकोप्टस केबिया जैसे ये स्किन के ऊपर कहीं से जंप करके आई, ठीक है, तो फिर क्या करती है ये कि ये ना, फिर ये आपको मतलब इसका जो है ना, जाहिर है वो होता ये है कि एक जो है ना वो मतलब ये हो सकता है प्रेग्नेंट हो, मतलब ये वाली जो सरकोप्टस की भी आई है, और वो आई आपके स्किन पे जम की। अच्छा, फिर उसके बाद उसने एग्स देने होते हैं, ठीक है, या एग्स ले करने होते हैं, तो फिर वो जो है ना वो अंदर चली जाती है आपकी एपिडर्मिस से अंदर। अच्छा, एपिडर्मिस ये आपकी स्किन है, ठीक है, और ये एपिडर्मिस के अंदर ही ना ये ऐसे ऐसे टनल्स बना लेती है, ऐसे इसको आप कहते हो बरोस। अच्छा जी, इस टनल्स में जो है ना ये एग्स देती रहती है। अच्छा, तो अब ये एग्स देने के बाद इधर ही ये मर जाती है, और उसके बाद ये जो एग्स होते हैं ना, ये खुद ही हैच करते हैं, यानी इसमें से लार्वे निकलते हैं, और वो लार्वे जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो फिर वो बाद में जो है ना ये स्केबियाई बन जाते हैं, ये बड़ी वाली, ठीक है, और ये जो है ना ये फिर स्किन की तरफ जाते हैं, और फिर इधर से इन्होंने जंप करना होता है किसी दूसरे इंसान पे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो जो आपको खारिश होती है ना, वो इसमें जब वो
एग्स दे रही होती है, तो फिर वो काफी टॉक्सिक मटेरियल्स जो रिलीज होते हैं या जो आप कहें कि जो खारिज होते हैं इसके अंदर से, तो वो आपको जो है फिर होती है खारिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है या जो आपका डिफेंस सिस्टम है वो उसको जाहिर है कि वो अब देखे ना कि एक बाहर की चीज है जो कि आपकी बॉडी में आई है, तो वो जो डिफेंस सिस्टम होता है वो फौरन रिस्पॉन्ड करता है। तो खारिश होने का ये मतलब भी है कि आपकी बॉडी में जो है ना वो आपका जो हिफाजती निज़ाम है वो इसके खिलाफ मतलब वो एक्शन ले रहा है। लेकिन होता यह है कि ये सिर्फ हिफाजती निज़ाम से नहीं मरती और इसको जो है ना बाहर से मारने की जरूरत होती है। अब उसको मारना कैसे है वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, लेकिन अब एक इसमें जो खास बात है कि इसकी जो खुजली है ये वाली जो है या जो इसकी रैश है, ये कैसे दूसरी बीमारियों से हमें पता लगे कि ये स्केबीज की रैश है? देखिए, वैसे तो डर्माटोलॉजी जो है उसमें ये है कि वो एक रैश को दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ समझना जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि इसकी कुछ खास इसकी निशानियां हैं जो कि अभी आपको बताते हैं इस रैश की। एक तो ये है कि इसके साथ बुखार नहीं होगा, जैसे किसी और रैश जैसे कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ बुखार भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ यूली बुखार नहीं होता। अच्छा, रात के वक्त इसकी जो खारिश है बहुत एक्सट्रीम होती है, बहुत ज्यादा होती है, और इसके अलावा जो है इसकी जो पहचान है कि ये जो है ना अभी ये वाली रैश ये देखें ये आपको नजर आई, तो ये इस तरह से ये जो होते हैं ना इन्हें पैप्यूल्स कहते हैं, ये आपके स्किन पे बन जाते हैं और इस तरह से वही जो हमने कहा था कि ट्रैक्स भी कभी जो है इसमें नजर आते हैं ऐसे थोड़े से लंबे लंबे से अगर थोड़ा सा करीब से देखें तो। और ये जो रैश होती है ना यूजली जैसे ये इन जगहों पर ज्यादा होती है, जैसे कि अंडर आर्म्स, ठीक है, बगलों में जैसे आप कहते हैं बगलों के अंदर ज्यादा होती है, अच्छा अंडर द ब्रेस्ट हो सकती है, अच्छा फिर ये आपका ग्रोइन एरिया, ये इसकी जो क्रीजेस होती हैं इसमें हो सकती है, पीछे बटक्स में हो सकती है, अच्छा और जो उंगलियां हैं चाहे वो हाथ की हैं या चाहे वो पांव की हैं, तो उनकी ये जो इन एरियाज को कहते हैं वेब्स, तो ये वेब्स के अंदर जो है ना ये वाली ये मैंने ये जो रेड वाला किया ये इन जगहों पे ये ज्यादा ये रैश होती है, क्योंकि ये सर्कोप्टिस केबीआई जो है ना इन जगहों पे उसको एक अच्छा सा टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, इधर भी इसको अच्छा सा एक टेम्परेचर मिलता है एग्स देने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे छुपना पसंद करती है ऐसी जगहों पे, तो उसकी पहचान ये है, ठीक है जी। और रेड कलर की होती है मैंने आपको बता दिया, पैप्यूल्स होते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है इसमें अच्छा कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये गंदगी की वजह से शायद हो रहा है या नहीं है, ये ऐसे नहीं होता कभी, जैसे आप कहीं हॉलीडे पे जाते हो होटल किसी में रहते हो वहां से जो है वो एक डस्ट ये सॉरी डस्ट माइट कह रही हूँ, डस्ट माइट्स भी होती हैं लेकिन वो डिफरेंट माइट है, तो ये जो माइट्स होती है ना वो जंप करके कहीं से भी आ सकती है, जो लोग बाहर जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं वो आपके कपड़ों के साथ आ जाए और उसके बाद आपके बेड में घुस जाए, तो इसका ये चक्कर ऐसे इसका लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है जी। अच्छा जी, आप इसको जो है ट्रीट कैसे करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आप जानना चाहेंगे। अच्छा, इसकी जो है ना एक ही ट्रीटमेंट है जो कि आपने लेनी होती है, वो है परमेथ्रिन 5% क्रीम है और 30 ग्राम की ये पैकेज में ये एक ट्यूब मिलती है, ठीक है, बहुत सस्ती सी होती है हर जगह, ये कोई इतनी महंगी नहीं होती, तो ये बस आपने क्रीम लेनी है और जो ये एडल्ट डोज है ये 30 ग्राम, और इसको ऐसे लगाना है कि मैं आपको बताऊं कि आपने ये जैसे आप ये एडल्ट है ये एक यानी एक ये बालक इंसान है जो बड़ा बंदा है, ठीक है, और ये बच्चा है। अच्छा, तो अब आपने जो है ना ये क्रीम जो है वो एक ही दफा सारे घर ने यानी सबके लिए एक एक ट्यूब होगी, जितने भी बड़े लोग हैं ना उनके लिए सबकी अपनी अपनी एक ट्यूब होगी, वो सारी ट्यूब जो है आपने गर्दन के ये इधर या जहां ये मैंने तीर दिया हुआ है इससे नीचे आपने कोई जगह छोड़नी नहीं है और आपने सब जगह ये लगा देनी है क्रीम, यानी वो ये नहीं है कि बचत करनी है और आपने जो है वो क्रीम जो है बचा लेनी है, नहीं, वो सारी क्रीम आप हर जगह मल मल के लगाएं और कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, पीछे भी लगाएं आगे भी लगाएं उंगलियों के अंदर भी लगाएंगे अंडर भी लगाएं सारा कुछ कोई जगह नहीं, वो जहां को क्रीम नहीं होगी लगी तो वहां फिर वो जो आपकी सर्कोप्टस की गई वो भाग के चली जाएगी, तो ये काफी मुसीबत लगता है लेकिन ये है कि ये सबको ये करना पड़ेगा एक ही साथ, सब जैसे 5 पीपल है उनके लिए 5 जो है वो ट्यूब्स चाहिए होंगी और 5 ट्यूब्स लेके आए और एक ही दफा लगा लें, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों में भी ये हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, बच्चों में लेकिन जो फर्क है ना ये जो स्केबीज उसमें ये होता है कि उनकी चीक्स पे भी हो जाती है उनके सर पे भी हो जाती है, लेकिन एडल्ट्स जो होते हैं या जो बालिग लोग हैं उनके ना चीक्स पे होती है ना सर पे होती है ना गालों पे ना फेस पे और ना ही सर में, ठीक है। तो जब बच्चों को आपने क्रीम लगानी है तो ये मैंने जैसे तीर दिया उनको पर सारा ही लगाना, ठीक है, और उनके लिए जो होती है ना वो सारी क्रीम नहीं लगाने की जरूरत, उनके लिए सिर्फ 1/4
प्रेम का हिस्सा होता है ना, वो आपने लगाना होता है। वैसे तो आप अपने डॉक्टर से पूछें तो वो आपको सही तरह से बता देंगे, लेकिन रफ सा यही है। जैसे अब ये फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स का ये बच्चा है, तो इसको जो है आप अगर इसकी चीक्स हो गई है इफेक्ट, तो फिर आपने इसको सारा का सारा लगा देना है, ठीक है, 1/4 क्रीम, सारी क्रीम नहीं लगानी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई बात। और अच्छा, आप क्रीम लगा के आपने आपने रात के वक्त ये क्रीम लगानी है, और फिर जो है ना आपने 12 घंटे के बाद बाथ लेना है सबने, ठीक है। तो यानी 8 से 12 घंटे, कहते हैं मेरे ख्याल 12 कह लें तो ज्यादा बेहतर है, 8 पे 9 धोएं, 12 के बाद जो है ना आप उसके बाद बाथ लेना जरूरी है। ये नहीं कि क्रीम उधर ही लगी रहे और उसको धोएं, क्योंकि फिर जो है ना वो अगर कोई डेड होगी, वो सर्कोप्टस की भी आपकी स्किन पे लगी हुई होगी, तो वो साफ हो जाएगी, ठीक है। तो 12 घंटे तक ये क्रीम लगानी है। अच्छा जी, आप इसमें जो ट्रीटमेंट में जो खास एक बात है, वो जो अक्सर लोग जो है वो नहीं करते, वो ये होता है कि इसको जैसे आपने यहां से लगाई, ठीक है, एक दिन आपने लगाई, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर आपने रिपीट करना है इसी तरह से। यानी जैसे आपने ये क्रीम लगाई, ठीक है, तो उसी तरह जो है आपने ये रिपीट करना है, दूसरे हफ्ते भी फिर आपको इसी तरह लगानी है। अच्छा, वो क्यों लगानी है? इसकी वजह ये होती है कि देखें, अगर जो है उसने जो एडल्ट सर्कोप्टस के भी आई थी, उसने कोई दिए हुए थे एग्स वगैरह, और जो लार्वे थे वो हो सकता है कि इस दौरान 4 डेज के अंदर या 5 डेज के अंदर दोबारा जो है वो एडल्ट सर्कोप्टस के भी आई बन जाए, तो वो ये है कि फिर, या फिर हो सकता है कि लार्वे कुछ मौजूद हों अभी, तो फिर ये है कि ये आप दोबारा लगाएंगे तो फिर वो सारे के सारे जो कुछ मौजूद होगा वो फिर मर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये आपको 4 वीक्स तक ना इसी तरह ये क्रीमें ला के मतलब ये लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यानी अब देखें आपको टोटल, जैसे एक पर्सन को कितनी ट्यूब्स चाहिए, 1 2 3 4, 4 ट्यूब्स जो है एक पर्सन को चाहिए, तो उसके मुताबिक फिर ना आप जितनी भी ट्यूब्स हैं वो आप लेके आओगे, तो ये इस तरह से होगा। और ये सारी फैमिली, इसीलिए ये सारी तस्वीर बताइए, आपको याद है सबको ये इकट्ठे सब कुछ ये लगानी पड़ेगी क्रीम, ठीक है। तो फिर ये जाके तो ये खत्म होगी अब बीमारी, वरना जो है ये दोबारा हो जाएगी। और अच्छा, खारिश एक ज़ाहिर है इसमें बहुत ज्यादा एक मसला होता है खारिश का, उसके लिए देखें आप, वैसे तो आपके डॉक्टर जो है आपको बताएंगे कि कोई आप कैलामाइन लोशन होता है वो लगा सकते हो, वो भी जहां जहां खारिश हो रही है वहां लगाना होता है, ठीक है। तो वो, और इसके अलावा जो है एक टेबलेट्स जो होती है एविल जिन्हें कहते हैं, क्लोरफेनारमिन मैलिएट टेबलेट्स, तो ये आप जो है ना खारिश के लिए खाते हो। इसी तरह बच्चों के लिए भी जैसे ये होता है सीरप होते हैं एंटी एलर्जिक जैसे होते हैं, तो वो यही होते हैं कि वो खारिश के लिए यूज होते हैं। तो एक फेमस सा है, अब इसको मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन वो ये है कि आपको पता ही है फेनर्गन, हाँ जी फेनर्गन जैसे होता है उस तरह की सीरप से होते हैं, वो आपके डॉक्टर से आप लिखवा सकते हो बच्चों के लिए खारिश के लिए, ठीक है। और अच्छा जी, एक तो ये बात होगी। अच्छा, आप इसमें जो इसकी जो है प्रिवेंशन के लिए क्या करें, आपने जो है ना करना ये होता है कि इसमें जो लोग असल में मिसिंग जो पार्ट कर लेते है ना, एक तो वो नेल्स अपने क्लिप करते रहे, ठीक है, क्योंकि आप जब खारिश करते हैं तो वो नेल्स के अंदर जो है ना वो एग्स होते हैं, या फिर हो सकता है कि सर्कोप्टस के भी आई हो उसके अंदर, तो वो फिर जो है वो यहाँ से जो है वो स्प्रेड होगी या आपके दोबारा वापस आपके ऊपर चली जाएगी। तो नेल साफ करने हैं, सारी जो बेडशीट्स हैं, जो सारे आपकी जो कपड़े हैं और आपके सारे टॉवल्स हैं, जो भी इस्तेमाल की चीजें हैं इस तरह के क्लॉथ्स, तो वो जो है आपने उनको बॉयल करें 100 डिग्री C पे, तो फिर जाके जो है ये इसके एग्स और ये मरेगी, वरना इसका मरना जो है ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। या फिर ये है कि एटलीस्ट 80 डिग्री C पे जो है वो आप इसको करें, लेकिन मेरा ख्याल इसको बॉयल कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर पानी के अंदर, क्योंकि इस तरह वरना इन्होंने मरना नहीं है। अच्छा जी, बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा तंग होते हैं, उन्हें थोड़े छोटे से कॉटन के दस्ताने पहना दें, तो फिर ये है कि वो अपने आप को जख्मी नहीं करेंगे, ठीक है, वरना वो जख्मी कर लेते हैं, जिससे जो है वो उनकी स्क्रैचेस बन जाते हैं और वो फिर रोते हैं। तो अच्छा जी, फिर लोगों से आप एहतियात बरतें, जो जब भी इस दौरान आप ट्रीटमेंट कर रहे हो घर साफ कर रहे हो, लोगों को घर में ना बुलाएं, और कोई आ रहा है तो उसे कहें कि फिर आपको भी ये लग जाएगी, तो इसलिए आप ना आए, तो ये बताना जो है वो जरूरी होगा। लोगों से दूर रहें इस दौरान ट्रीटमेंट में, जब तक ये जरा 1 माह चलेगी, तो उसके बाद जो है ना आपको मिलेगा कि भाई आप इससे फ्री हैं। तो ये हो गई जनाब वीडियो आपके लिए, तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया, और मुझे जरूर फीडबैक दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।